पाकिस्तान निवासी एक बुजुर्ग महिला के इलाज के दौरान अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया और पुलिस ने साथ ये भी बताया कि मृतका नजीर बेगम पाकिस्तान के हैदराबाद के रहने वाली है। वो कुछ दिन पहले अपनी बहन से मिलने यहाँ पहुंची थी और गुरुवार को नजीर बेगम को सांस लेने में कुछ तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और पाक उच्चायुक्त को इस मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। नजर बेगम है जिसकी उम्र 80 साल है। ये अपने जवाई और दोईती के साथ में 11 तारीख को इंडिया में अटारी बॉर्डर से प्रवेश किया था और 12 तारीख को ये अपनी बहन के पास में अजमेर के अंदर आई थी, जिनको सांस में लेने में परसों तकलीफ हुई। उस समय उनको यहाँ हॉस्पिटल में चेक कराया था। आज फिर इनको तकलीफ होने पे अपने हॉस्पिटल में लाए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके लिए इनका आज अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट था। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।